Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Namrita Jaiswal and you are watching Namrita Teach. So dear friends, this is our class 8 and in this class we are going to discuss about tense. ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो आज का क्लास है, दिस वीडियो विल बी टोटली बेस्ड ऑन टेंस एंड टुडे दिस विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस. आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ इंट्रोडक्शन को देखेंगे. हम सीखेंगे व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस आर देयर, कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं, उन सबको हम डिफाइन करेंगे, उन्हें हम कैरेक्टराइज करेंगे, काइंड्स में उन्हें डिवाइड करेंगे. ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास होगा एंड देन आफ्टर वी विल डू ईच टेंस वन बाय वन एंड ट्राई टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट वेरी इजीली. आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर वीडियो. सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आवर टॉपिक टेंस. टेंस इज ऑल्सो अ टाइम. हम कह सकते हैं टेंस एक प्रकार का समय है. इन हिंदी टेंस इज कॉल्ड काल. ठीक है, हिंदी में हम टेंस को क्या कहते हैं बेटा, काल कहते हैं. ठीक है, टेंस जो है एक प्रकार का टाइम है. जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल्स हम देंगे और उसमें आपको पता करना है कि ये जो टाइम है, ये जो टेंस है, वो कब का है, किसके बारे में वो बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है या बीते हुए चीज़ के बारे में बता रहा है या फिर आपको भविष्य के बारे में बता रहा है. तो जनरली टाइम इज़ अ टेंस, है ना, टाइम इज़ अ टेंस. टाइम ही क्या है, टेंस है. ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी एंड यू हैव टू फाइंड एंड कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स दैट दिस एग्जाम्पल इज ऑफ विच टेंस. ठीक है, जैसे मैं कल वहाँ गई थी लेकिन मुझे वो वहाँ पे नहीं मिला. ठीक है, मैं कल वहाँ जाऊँगी क्योंकि मुझे वहाँ जाना है. आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रही हूँ. तो मैंने तीन एग्जाम्पल्स दिया. पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिया वो पास्ट के बारे में बता रहा था क्योंकि वो जो काम ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बारे में जो घटनाएं हो चुकी हैं, जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं, वो आपका पास्ट टेंस के अंदर इंक्लूड होगा. जो सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया वो फ्यूचर टेंस था. दैट मीन्स द थिंग्स विच विल बी डन, वो चीज़ें, वो इंसिडेंट जो होंगी, जो हुई नहीं है बेटा, जो होने वाली है. जैसे कल आप स्कूल जाओगे, वर्षा होने वाली है, है ना, दुर्गा पूजा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, छठ पूजा आने वाला है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर टेंस क्योंकि वो इंसिडेंट अभी हुआ नहीं है. और प्रेजेंट टेंस जो अभी हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम आपके सामने हैं, हमारा एक इंट्रैक्शन हो रहा है, दिस इज़ आवर प्रेजेंट टेंस. इन दिस टेंस क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी इंसिडेंट जो हो रही है, वो कंटिन्यू फॉर्म में होती है, वो चल रही होती है या होती है. ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस. चलिए हम इसे डिवाइड करते हैं. पहला है हमारा प्रेजेंट, दूसरा है हमारा पास्ट एंड थर्ड है हमारा फ्यूचर. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट जो है वो हमें वर्तमान के बारे में बताएगा, जो काम हम करते हैं. पास्ट जो है वो उन चीज़ों के बारे में बताएगा जो काम हमने ऑलरेडी कर लिया है, दैट मीन्स वो बीती हुई चीज़ों के बारे में बताएगा. और जो फ्यूचर है वो हमें आने वाले कल के बारे में बताएगा, दैट मीन्स द थिंग्स, द एक्शंस, द इंसिडेंट्स विच विल बी डन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा. तो हमने क्या सीखा, टाइम जो है वो टेंस है, टेंस ही टाइम होता है. टेंस इज ऑफ थ्री टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, अब इन टेंस के भी चार पार्ट होते हैं. दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस जो है इसे भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पास्ट को भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्यूचर को भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो जैसा कि हमने बताया, दिस इज़ ओनली योर इंट्रो क्लास ऑफ टेंस. तो इसमें हम केवल इसके काइंड्स को देखेंगे और डिटेल में स्टडी हम वन बाय वन करने वाले हैं. तो चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और उसे वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम आपका एग्जांपल लेंगे प्रेजेंट टेंस. ठीक है, अब उसके काइंड्स को हम डिस्कस करेंगे, सेम उसी तरह हम पास्ट और फ्यूचर को भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो
सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस जो चीज़ हमें वर्तमान में होती है, जो चीज़ हम करते आ रहे हैं, इसके चार डिफरेंट काइंड्स है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसके कुछ सब टेंसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रेजेंट, सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए केवल इसमें इसके काइंड्स को बताया जा रहा है। एंड जब आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे रेगुलर बेसिस पे, जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या है, उसे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हमारा प्रेजेंट टेंस था। अब हम इसे ही चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद क्या करेंगे इसका, अब हम पास्ट टेंस देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सबका सेम है, जैसे जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वो बिल्कुल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पास्ट में। अब दूसरा है हमारा पास्ट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट था तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल पास्ट। पास्ट टेंस में जितने भी प्रेजेंट वाले फॉर्म होते हैं वो सब पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, है ना। बहुत इजी है ना, जहाँ जहाँ सिंपल, जहाँ जहाँ प्रेजेंट है उसे पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह जब हम फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो जहाँ जहाँ पास्ट होगा वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं हम। थर्ड जो है हमारा फ्यूचर टेंस, इसमें सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, और सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होने वाला है, फ्यूचर परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक शॉर्ट डिस्कशन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने टेंस को देखा, उसके कुछ काइंड्स को देखे और उसके भी सब काइंड्स को देखे। तो इन शॉर्ट एक बार रिवाइज करवाते हैं, व्हाट इज़ टेंस। तो टेंस इज़ अ टाइम, टेंस क्या है, एक टाइम है। इसे हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज़ प्रेजेंट, सेकेंड इज़ पास्ट एंड थर्ड इज़ फ्यूचर। और हर एक टेंस के फोर काइंड्स है, फोर सब टेंसेस है, जिसे हमने फॉलोइंग वेज में अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी वो अच्छे से क्लियर हो गई हो। एंड वेरी सून वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड हमारा सबसे पहले टॉपिक होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के सारे फॉर्म्स को हम देखेंगे, उसके सारे सब टेंसेस को देखेंगे, प्लस उसमें हम कैसे क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, कैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, उन सारे चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बस यहीं तक डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज़ नमिता जायसवाल, एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।